जनवरी जैसे भगवान रामचंद्र के आगमन के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को इस्कॉन जनपद में एक बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि हम सब ये चाहते हैं कि जैसे हम 22 जनवरी को दिवाली मनाएं, ऐसे ही इस्कॉन जनपद में 21 जनवरी को एक भव्य यात्रा के रूप में इस्कॉन जनपद लुधियाना में एक आकर्षण दिवाली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं। और सभी लुधियाना वासियों से हम अपील करते हैं कि उस दिन इस्कॉन जनपद में आएँ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं रक्षानाथ दास, इस्कॉन जनपद अध्यक्ष, आप प्रेस वाले भाइयों के थ्रू पूरे शहर वासियों को अपील करता हूं कि 21 तारीख को हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे भगवान राम जो अयोध्या में बैठने जा रहे हैं उस ओकेज़न पे एक रथ यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सब शहरवासी आइए और इस पर्व का हिस्सेदार बनिए और भगवान राम की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज की ये प्रेस मीट अयोध्या में श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके उपलक्ष्य में इस कौन जनपद में बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। 21 जनवरी को सायं 4 बजे से श्री रामलला रथ यात्रा का आयोजन हम इस कौन जनपद कर रहा है, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही भव्य तरीके से। इसमें बहुत ही सुंदर रंगोलियां बनाई जाएंगी, रथ में भगवान रामलला विराजमान होंगे, मायापुर वृंदावन से भक्त आ रहे हैं, संकीर्तन मंडल आ रहे हैं इस्कॉन के जो दिव्य हरिनाम करेंगे। बहुत ही सुंदर दीपमाला पूरे मंदिर में की जा रही है और जो मुख्य आकर्षण होगा आतिशबाजी शो, इसके समापन पे बहुत ही सुंदर और भव्य आतिशबाजी शो आयोजित किया जा रहा है। कृष्णा जय श्री राम। मैं सोनू अजमानी इस्कॉन जनपद से। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को भगवान राम का अयोध्या जी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग लुधियाना में इस्कॉन में श्री राम रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं 21 जनवरी को। तो उस आयोजन के लिए मैं आप सबको लुधियाना वासियों को तहे दिल से इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप इस रथ यात्रा का भाग करें, भाग लें इस रथ यात्रा में और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। जनवरी जैसे भगवान रामचंद्र के आगमन के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को इस्कॉन जनपद में एक बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि हम सब ये चाहते हैं कि जैसे हम 22 जनवरी को दिवाली मनाएं, ऐसे ही इस्कॉन जनपद में 21 जनवरी को एक भव्य यात्रा के रूप में इस्कॉन जनपद लुधियाना में एक आकर्षण दिवाली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं। और सभी लुधियाना वासियों से हम अपील करते हैं कि उस दिन इस्कॉन जनपद में आएँ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं रक्षानाथ दास, इस्कॉन जनपद अध्यक्ष, आप प्रेस वाले भाइयों के थ्रू पूरे शहर वासियों को अपील करता हूं कि 21 तारीख को हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे भगवान राम जो अयोध्या में बैठने जा रहे हैं उस ओकेज़न पे एक रथ यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सब शहरवासी आइए और इस पर्व का हिस्सेदार बनिए और भगवान राम की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज की ये प्रेस मीट अयोध्या में श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके उपलक्ष्य में इस कौन जनपद में बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। 21 जनवरी को सायं 4 बजे से श्री रामलला रथ यात्रा का आयोजन हम इस कौन जनपद कर रहा है, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही भव्य तरीके से। इसमें बहुत ही सुंदर रंगोलियां बनाई जाएंगी, रथ में भगवान रामलला विराजमान होंगे, मायापुर वृंदावन से भक्त आ रहे हैं, संकीर्तन मंडल आ रहे हैं इस्कॉन के जो दिव्य हरिनाम करेंगे। बहुत ही सुंदर दीपमाला पूरे मंदिर में की जा रही है और जो मुख्य आकर्षण होगा आतिशबाजी शो, इसके समापन पे बहुत ही सुंदर और भव्य आतिशबाजी शो आयोजित किया जा रहा है।
कृष्णा। जय श्री राम। मैं सोनू अजमानी इस्कॉन जनपद से। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को भगवान राम का अयोध्या जी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग लुधियाना में इस्कॉन में श्री राम रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं 21 जनवरी को। तो उस आयोजन के लिए मैं आप सबको लुधियाना वासियों को तहे दिल से इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप इस रथ यात्रा का भाग करें, भाग लें इस रथ यात्रा में और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम।